आज हम लोग प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे और प्रोनाउन में अभी तक जो हम लोगों ने बातें कर ली है उसके कुछ आगे पैटर्न को देखने वाले। तो एक चीज तो है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस भी आप सब बहुत ज्यादा नहीं टेकअप वो रेज कर रहे हो, और ना ही आप क्लासेस सही से ले। कोई बात नहीं, ये आपकी लैकिंग होगी, कम से कम आप कभी कह नहीं पाओगे कि बीके सर से जुड़े और बीके सर ने कंटेंट्स नहीं दिए। बीके सर ने पर्याप्त कंटेंट दिया, बस ये है कि हाँ आप लोगों ने उसको टेकअप नहीं किया, थोड़ा दुखद है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अपना काम है देना, बाकी तुम क्या करते हो क्या नहीं ये तुम्हारा काम। कल हम लोगों ने यूज ऑफ दैट के सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझा था, कुछ चंद एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं जो थोड़ा सा हम कल की बात से रिलेट करते। दिस इज द चांस, मैंने क्या लिखा है, दिस इज द चांस आई हैव, मैं एक चांस की बात कर रहा हूं और मैंने कहा एवर गॉट। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस राइट डाउन किया, इसमें अगर मैं कहूं हु विच व्हाट दैट, तो कौन सा ऑप्शन इसमें आप सेलेक्ट करना ठीक समझेंगे, सेलेक्ट करना ठीक समझेंगे। दिस इज द चांस, जाहिर सी बात है हम इम्फेटिक करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, दैट का सीन लेंगे, दैट का सीन लेंगे, ठीक भी बातचीत। चल रूल नंबर, हम आज नेक्स्ट की बात करेंगे, रूल नंबर 16 में भी 16 है रूल नंबर। चल रूल नंबर 16 के साथ काम करेंगे। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है और इसकी कनेक्टिविटी कंजंक्शन के साथ हो, अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका जो कनेक्शन है अगर वो किसी कंजंक्शन के साथ हो जाए, कंजंक्शन में जैसे आपको देखने को मिल सकती है एंड, कंजंक्शन के तौर पर आपको एंड मिले या कभी कभी आपको बट देखने को मिल जाए, अगर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ऐसे कंजंक्शन का जो जिक्र है कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कभी अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके साथ कंजंक्शन लगा हो, स्पेशली एंड एंड बट, तो ये कभी नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बहुत ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा, दिस इज द मैन हो, मैंने क्या लिखा, एक सेकंड, यहां नहीं हुआ आएगा, यहां आएगा एंड, अब आएगा हो, मैंने क्या लिखा जरा पढ़िएगा, दिस इज द मैन एंड हो
हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू जरा बताएं कि इसमें अगर एक शब्द हमने ये एज अ रिलेशन लिया है इसकी कोई यहां नीड नहीं बनती, कोई नीड नहीं बनती किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर कोई नीड नहीं बनती है, ये ध्यान रखिए कि किसी कीमत पर नहीं बनेगी, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना, बोलो। आई मेट द स्टूडेंट एंड हु, मैंने लिखा आई मेट स्टूडेंट हु बिन, यहां भी लगा दो सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। आखिर ये तो वही बदसलूकी हुई जो आप यहां पर इसकी वजह से कर रहे थे, तो एंड कंजंक्शन नहीं यूज किया जाएगा, ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा। ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला इसी का एक रूल है, अगला इसी का एक बहुत ही उम्दा रूल है, बहुत ही लाजवाब रूल है कि प्रीपोजिशनल केस में मैंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पहले इतना पढ़िए कि प्रीपोजिशनल केस में प्रीपोजिशन का प्रयोग प्रीपोजिशन का प्रयोग दैट के पहले नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तगड़ा है, पढ़ते चलिए, नहीं होगा, यदि जरूरत हो तो इसका प्रयोग वर्ब के बाद किया जा सकता है, वर्ब के बाद किया जा सकता है, ठीक समझेंगे कि प्रीपोजिशनल केस में प्रीपोजिशन का प्रयोग दैट के पहले कभी नहीं होगा, यदि जरूरत हो तो वर्ब के बाद हो, ठीक ठीक। जैसे दिस इज the chance on that I have got, yeah, on that
चलो, या आई डिपेंड, अब देखिए यहां पर देखो, ठीक दो चीजें आप यहां समझेंगे, ये तो किसी कीमत पर दैट के पहले नहीं आएगा, अगर कोई और प्रीपोजिशन आ जाती है तो जरूर हम बना सकते हैं। दो सेगमेंट इसका समझे पहले, दो सेगमेंट इसका, दो सेगमेंट समझिएगा, दिस इज द चांस, ये एक चांस होगी ऑन विच आई डिपेंड, ये कहना बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत नहीं हो, किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो। इसी में एक कंडीशन और क्रिएट करता है, क्या क्या, दिस इज द चांस, दिस इज द चांस दैट आई डिपेंड ऑन, ये सही हो, यानी ये दो चीजें आप समझेंगे, इसका जो रूल बनाएगा वो यही क्रिएट करेगा कि आखिर जब भी आप ऐसे कोई प्रीपोजिशनल केस की बात कर रहे होंगे और प्रीपोजिशन लगाने की बात कर रहे होंगे, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हो तो याद रखिएगा कि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पहले नहीं होता है, बाकी जो अन्य प्रीपोजिशन, जो आपके अन्य रिलेटिव प्रोनाउंस बनेंगे उनके पहले आप कर सकते हो, स्पेशली दैट के पहले नहीं होगा। हाँ, दैट लगा हुआ है और आपको करने का ही मन है तो आप वर्ब के बाद कर दो, वर्ब के बाद कर दो। यहां देखो, यहां आपको दैट लगा मिला और इसके बाद ऑन नहीं आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट, दैट नहीं होगा, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन है तो ऑन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप दैट लगा रहे हो और आपका मन है कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो इस वर्ब, यानी कि इस नहीं, कोई भी वर्ब हो इसके बाद आप यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ये एक आपको बढ़िया चीज दिखेगा, ये आपको एक बढ़िया चीज दिखेगा, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, ये एक बढ़िया सेगमेंट है ग्रामर का, उलझ जाता है इंसान, बहुत उलझ जाता है, बहुत ज्यादा उलझ जाता है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। नोट के तौर पर कुछ लिख लीजिएगा, नोट के तौर पर कुछ लिख लीजिएगा, क्या जैसे आप विच लिए तो विच के पहले इन लगाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अबाउट लगा देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अबाउट लगा देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फॉर लगा देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टू लगा देते हो, कोई प्रॉब्लम, याद रखेंगे इस बात, याद रखेंगे इस बात, जब इन विच का प्रयोग होता है, जब इन विच का प्रयोग आप करते हो तो इसका मतलब होता है जिसमें, जिसमें
और अगर आपने अबाउट विच का यूज किया तो जिसके बारे में, अबाउट विच का यूज किया तो जिसके बारे में, याद रखेंगे। और जब भी आपने फॉर विच कर लिया तो जिसके लिए आया। जिसके लिए है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने पास रखोगे तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान रखो। ठीक, यूज ऑफ वॉट, वॉट का प्रयोग किस तरीके से, वॉट का प्रयोग किया जाता है, वॉट को जो के सेंस में यूज करते हैं, जो के सेंस में यूज करते हैं। ठीक, तीन पार्ट में इसका यूज, किसी स्टेटमेंट को दिखाना हो, किसी स्टेटमेंट को अगर दिखाना हो तो व्हाट का यूज किया जाता है, किसी वर्क को दिखाना हो तो व्हाट का यूज किया जाता है, किसी थिंग्स को दिखाना हो तो व्हाट का यूज किया जाता है। व्हाट का ये प्रयोग है कि रिलेशन बताना हो, रिलेट करना हो तो व्हाट के सेंस में क्या क्या रिलेट कर पाएंगे, स्टेटमेंट को, वर्क को और थिंग्स। एक खास बात आपको बताऊं, ये एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज विदाउट एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट की नीड नहीं होती, इसको एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती है, याद रखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण है। नो नीड एनी सब्जेक्ट, याद रखेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है इसको किसी सब्जेक्ट की, कोई जरूरत नहीं है इसको सब्जेक्ट की, अपने में मस्त रहता है। जैसे What I have written, जो मैंने लिखा वो लिखा, जो मैंने लिखा वो मैंने लिखा। जैसे एक क्वेश्चन बनाता है, यहां मैं मेंशन करता हूं कि द बुक व्हाट आई हैव रिटन, मैंने क्या है, एक किताब जो मैंने लिखा है किस पर, ऑन ग्रामर इज परफेक्ट, ऑन ग्रामर फॉर एस्पिरेंट्स। अब देखिए यहां पर कि द बुक
कोई वस्तु है, लेकिन हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे यहां, क्यों? ऑलरेडी ये जब एंटीसीडेंट लेकर आ गया तो हम यहां विच का यूज करेंगे। एंटीसीडेंट ये नहीं लेगा, ये एंटीसीडेंट नहीं लेगा, और एंटीसीडेंट अगर आ गया तो फिर व्हाट नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा। ठीक, मैं व्हाट नहीं है, इसलिए वहां विच का यूज किया। एक बड़ा सुनहरा रूल है, रूल नंबर 18, बहुत सुनहरा रूल है, इसको आप सुन के मजा पा जाओगे। जिसको कंपाउंड ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से है, रूल नंबर 18। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, यानी एक बात हमारे सामने क्लियर होनी जरूरी है कि है क्या ये कंपाउंड। कंपाउंड है क्या? ठीक, मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूं और एवर सो एवर ये अगर मैं लगा दूं तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाए, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाए। एक खास बात इसकी, एक खास बात इसकी कि इसके पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके पहले सब्जेक्ट नहीं आए, ध्यान रखें। जरा मैं लिस्टिंग करता हूं, हुएवर इसका जो यूज है, ये दैट हु के सेंस में हम कहते हैं जो भी, जो भी। Whomsoever, whomsoever, that whom, जिसको भी, जिसको भी Whosoever,
whosoever that whose जिसका भी विच एवर दैट विच जो भी वॉट एवर या वॉट सो एवर वॉट एवर या फिर वॉट सो एवर इसका भी मतलब यही होता है जो भी जैसे whoever comes in divine कौन यहां आ रहा है डिवाइन मतलब एक समझ लो प्लेस ठीक ठीक लर्न्स इंग्लिश स्पेक में अब देखिए हमने आपसे शुरू में बताया कि इसको सब्जेक्ट की नीड नहीं है ये अपने आप में डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट किसी पे होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट किसी को सब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं अगर इसी में एक दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि द मूवी विच एवर आई लाइक मैंने क्या लिखा है जरा सेंटेंस पढ़िए most is dilwale अब यहां देखो ये यहां पर सब्जेक्ट है सेंटेंस का जिसके सिर्फ विच एवर तो होगा नहीं सिर्फ हमें रिलेटिव प्रोनाउन लेना है कंपाउंड लेना ही नहीं है सिर्फ विच ले लो काम खत्म हो जाए सिर्फ विच ले लो काम सही हो जाए कोई और नीड है ही नहीं वहां नोट कर ठीक है ये है सेगमेंट इस बात को समझना ठीक है बाकी बातें अभी अभी और भी रूल्स हैं अभी मैं इन पर भी अभी और बात करूंगा प्रोनाउंस पूरे आपके कंप्लीट होंगे तभी ये सेशन खत्म होगा इसके पहले नहीं तो बहुत अच्छी बात है जुड़ते रहिए लगे रहिए प्रॉपर क्लास को करते रहिए नोट्स बनाते रहिए ठीक है अभी आगे के नियमों की भी मैं आगे एलोबरेशन करूंगा दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा कैरियर सेफर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज हम लोग अभी तक प्रोनाउन के जिस सेगमेंट की बात कर रहे थे आज प्रोनाउन के उसी सेगमेंट से आगे बात करें हम लोगों ने प्रोनाउन के कुछ सेगमेंट को टेकअप किया है और उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने
क्लियर किया है एग्जाम्पल के साथ और थ्योरी के साथ। आज फिर से मैं अपने नेक्स्ट अपने उस बेहतरीन से प्रोनाउन के पार्ट को टेकअप करूंगा और एक अच्छे से चीजों को लेकर के चलूंगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि एक नेक्स्ट यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपने नाम सुना, रिफ्लेक्सिव, या इसी को इम्फैटिक भी कहा जाता है। इम्फैटिक, ध्यान रखें क्या कहा जाता है भाई, इम्फैटिक कहा जाता है। इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी आज इन तमाम चीजों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा सा बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें डिस्टरबेंस होती ही होती, निश्चित तौर पर होती। देखिए ये दो तरह से काम करता है, या तो सेल्फ लगाना होता है या सेल्फ लगाना, दो ही चीजें हैं इसमें इस इंपॉर्टेंट तौर जो ज्यादा जरूरी है समझ लेना, कि या तो सेल्फ के सेगमेंट पे आएगा या सेल्फ के सेगमेंट पे आएगा। तो ये आपको सिंगुलर दिखाता है और ये आपको प्लूरल दिखाता है। इतनी चीजें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अब ये जो बात बताता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है खुद की बात बताने के लिए, या आप इसी को स्वयं कह सकते, खुद या स्वयं की कुछ चीजों को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए इसका प्रयोग किया। अब बहुत ध्यान से एक बढ़िया पैटर्न समझिए, जिस पैटर्न को लेकर के काफी कुछ आपके दिमाग में चलता है मिसकंसेप्शन, उसको समझिएगा। मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन। आप इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़कर आए, यानी अगर मैं पॉजिटिव वर्ड की बात करूं तो ये पॉजिटिव जो प्रोनाउन था ये पॉजिटिव काम कर रहा था, अधिकार के तौर पर काम कर रहा था ना। अगर इसी के साथ हम सेल्फ या सेल्फ लगा दें, क्या कह रहा हूं फिर से सुनिएगा, अगर इन पॉजिटिव वर्ड्स के साथ हम सेल्फ या सेल्फ लगा दें तो ये आपका इम्फैटिक बनकर तैयार, इम्फैटिक प्रोनाउन बनकर तैयार, या इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बनकर तैयार। कब? जब आप पॉजिटिव वर्ड्स में, जो प्रोनाउन के पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनमें आप सेल्फ या सेल्फ लगा दोगे तो ये इम्फैटिक बनकर तैयार, इम्फैटिक बनकर तैयार। जैसे अच्छा, कभी कभी पॉजिटिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी लगता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और सेगमेंट समझ लो, नोट के तौर पर, नोट के तौर पर ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस होते हैं ना, उनमें भी अगर आप सेल्फ या सेल्फ ऐड कर देंगे तो ये वही काम करेगा जो ऊपर वाला काम कर रहा है, ये वही काम करेगा जो आप ऊपर वाले शब्द से काम करवाना चाहिए, राइट? ये क्यों करेगा, इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा लगातार। ठीक है,
क्यों करेगा ये बताना चाह रहा हूं। माइक के साथ हमने सेल्फ लगाया, हमने माई सेल्फ बनाया, आवर के साथ हमने सेल्फ लगाया, आवर सेल्फ्स मैंने तैयार किया। याद रखेंगे कि ये प्लूरल काम करेगा ना, जब ये प्लूरल काम करेगा तो ये आवर सेल्फ्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, प्लूरल काम करेगा। इसलिए मैं आप योर के साथ सेल्फ लगा देंगे तो योर सेल्फ तैयार, योर सेल्फ तैयार हो जाए जब आप योर के साथ लगा, और योर दोनों सेगमेंट में ही जो है किया जाता है, प्लूरल भी इसका प्रयोग किया जाता है, योर सेल्फ्स भी होता है, हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द बन जाएंगे, themselves होगा, themselves होगा, themselves हो जाता, oneself हो जाता। ये वो सेगमेंट आएगा जो आप सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर बनाओगे। यानी एक बात समझने वाली बात है, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, कह सकते हैं कि इट वर्क्स एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फ्रीक्वेंटली। ये ध्यान रखें, ये फ्रीक्वेंटली सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करता है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, प्लूरल को प्लूरल कंसीडर करेगा, सिंगुलर को सिंगुलर कंसीडर करेगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल आपको मैं बताऊं। कुछ एग्जाम्पल आप समझेंगे। मोहन एंड सोहन भाई दो लोग हैं तो है आएगा, दो लोग हैं तो है आएगा, promised to do, promise किया कुछ करने के लिए it himself, no error। आओ देखते हैं जरा, option A, B, C, D, E और F, कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा कि सही हो जाए, कौन सा? सब्जेक्ट वन की बात करूंगा और सब्जेक्ट टू की बात करूंगा। दो सब्जेक्ट आने की वजह से वर्ब प्लूरल है, बहुत बढ़िया बात हुई। और हमारा अंग्रेजी का ग्रामर का नियम कहता है कि अगर ये दोनों बातें प्लूरल हैं तो आने वाली सभी की सभी बातें आपको प्लूरल यूज करना होगा, तो themselves हो जाए। themselves हो जाए, themselves हो जाए, ये रूल है। एक दूसरा फंडामेंटल है, इंडिया
कैन ग्रो, इंडिया ग्रो कर सकती है। बाय themselves, यानी इंडिया ग्रो कर सकती है themselves if its people become honest. नो एरर। फिर से आपके पास वही सेगमेंट के साथ ऑप्शन ए, बी, सी एंड ऑप्शन डी। चार ऑप्शन में कौन सा एप्रोप्रिएट होगा जो आपको सही लग रहा हो? इंडिया है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन एक एक की ना बात कर रहा है, तो इंडिया निर्जीव होने की वजह से इटसेल्फ का प्रयोग करें, इटसेल्फ का यूज करें। कहने का मेरा मतलब इतना सा है ना कि कहीं भी किसी भी तरह से आप जब शब्दों का प्रयोग करते हो तो एक उसका पर्सपेक्टिव होता है कि आप कर क्यों रहे हो। वही बात यहां समझना है। आओ कुछ रूल्स आपको मैं बता दूं जिसको आपको फॉलो करना ही करना होगा। ठीक, इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के बदले, सब्स्टिट्यूट के बदले करते। यानी कोई सब्स्टिट्यूट होगा उसके बदले किया जाए। कहने का मेरा मतलब, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हुई, नहीं किया जाता के बदले नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हर्षल सॉ द लायन, वो लायन उसी के द्वारा देखा गया। अगर हम यहां हर्षल के बजाय अगर मैं हर कहूं, सॉरी शिव कहूं, तो क्या गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव के सेगमेंट लेकर के चलेगा, वर्ब आई है आगे। ठीक ठीक कभी कभी हम लोग बोलते हैं माई सेल्फ रवि प्रकाश पांडे, ये कहना बहुत बड़ा गलत होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज नहीं कर सकते इसका। आप माइसेल्फ यूज किए हो तो माइसेल्फ से सब्जेक्ट यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के केस में आ गए नहीं है। आप इसको लिखने का, इसका जो सही तरीका है वो है आई माई सेल्फ रवि प्रकाश पांडे, इसका ये सही तरीका है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस जब अपने आप को करते हैं तो कहते हैं माई सेल्फ ये फला ढेका, तो कभी भी
सेल्फ लगे हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट प्रयोग ही नहीं करते और ना ही सब्जेक्ट की सब्स्टिट्यूट। ये अपने आप में स्वयं या मैं ही के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए आपको सब्जेक्ट टेकअप करना पड़ेगा कि आई माई सेल्फ, हां मैं ही रवि हूं, मैं ही रवि हूं। ठीक, ये कुछ और बातें हैं जैसे कुछ शब्द हैं जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस एंजॉय, एंजॉय इंट्रोड्यूस एंजॉय, अवेल प्राइड, अवेल प्राइड या कह सकते एवेंज रिवेंज रिजाइन, एवेंज रिवेंज रिजाइन, ये जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग जब भी, ये सभी वर्ब्स हैं इतना ध्यान रखिएगा, ये सभी क्या है वर्ब्स है और इन वर्ब्स के बाद इन वर्ब्स का प्रयोग अगर सेंटेंस में किया गया है, ठीक ठीक, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, फिर से समझ लीजिएगा, इन वर्ब्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सेल्फ प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट ना हो तब की कंडीशन है, इतना ध्यान रखना, ठीक। जैसे सीता इंट्रोड्यूस्ड, मैंने क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ लो कि सीता इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल, ये मैंने लिखा है। अब इंट्रोड्यूस, ये वर्ब तो आई आपके सामने, ये वर्ब तो आ गई, ये वर्ब आ गई ना, अब इस वर्ब के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इस वजह से आपको सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट स्त्रीलिंग है तो आपको हर आएगा, तो आपको यहां हर सेल्फ लगाना, तब जाके सेंटेंस है। कहने का मतलब बहुत ध्यान से समझ लो, ऐसी वर्ब्स जो अपना ऑब्जेक्ट लेकर ना आए तो उनके ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसी वर्ब्स जो अपना ऑब्जेक्ट लेकर ना आए तो ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए
इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, कुछ और कंडीशंस हैं, याद रखिएगा, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई है कि सभी तरह के वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं है, सभी तरह के वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इसीलिए अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, अगला ही कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कुछ वर्ब्स हैं जैसे बेट, स्टॉप, मूव, मूव, टर्न, क्वालिफाई, टर्न, क्वालिफाई, बर्स्ट, ओपन। ये जो वर्ब्स हैं ना, ये जो वर्ब्स हैं, इनके बाद कभी भी सेल्फ प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। प्रयोग नहीं किया जाता, कभी नहीं किया जाता। इन प्रोनाउन, सॉरी, इन वर्ब्स के बाद कभी भी नहीं किया जाता। ठीक, एक शब्द हाइट भी आता है, हाइट, इनका भी, जैसे आई वेट माई सेल्फ इन द रिवर। अब बेत शब्द जब हमें यहां बता दिया गया तो लेने के बाद फिर माइसेल्फ की नीड नहीं है ना, माइसेल्फ की नीड नहीं है, है ना? जैसे आई क्वालिफाइड myself the test। अरे यार ये कैसी बात हुई, टेस्ट में तुम बैठे थे तो तुम ही पास करो, कोई और थोड़ी। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ नहीं होता, और रीजन क्या है समझ ले। कुछ वर्ब्स अपने आप में ही पूर्ण मीनिंग की होती है, उनका खुद में ही ऑलरेडी मीनिंग आ ही जाता है। ठीक, जैसे द बॉम्ब बर्न्स्ट इट्सेल्फ, बस्ट इटसेल्फ। अरे यार बम होता है अपने से फटता, कोई फाड़ने नहीं जाता, ध्यान रखेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा एक अंतर समझेंगे
रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में अंतर। रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में अंतर जानो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, समझिएगा, इसका हमेशा वर्ब के बाद यूज होगा, यानी यानी आपके सामने माई सेल्फ लिखा है, देन हाउ कैन जस्टिफाई कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट टेकअप किया, और वो ये टेकअप किया कि अगर वर्ब के बाद प्रयोग होगा तो वही वर्ब, वही शब्द जो सेल्फ लगा है, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, और अगर इम्फेटिक की बात करोगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक, ये है दोनों में अंतर। मैं बताता हूं, आई पास्ड माई सेल्फ द एग्जामिनेशन। देखो भाई, यहां पर पास्ट एक वर्ब आई, और वर्ब के बाद जो आया हुआ है इसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इसे हम रिफ्लेक्सिव कहें। और एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि माई सेल्फ पास्ड द एग्जामिनेशन, तो यहां अगर आप बहुत अच्छे ढंग से देखोगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया हुआ है ये इम्फैटिक, ये इम्फैटिक। मतलब एक छोटी सी कहानी अगर मैं यही बना दूं, बहुत छोटी कहानी बना दूं और कह दूं कि सब्जेक्ट के बाद एम्फेटिक और वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जब हम जानेंगे, इसको सीखेंगे तो मजा है, तो मजा है। ठीक, नोट डाउन कर, इसको सीख लेना और जान लेना, ये एक स्पेशल फंडामेंटल का काम। चल आगे की बात कर लें। अगला प्रोनाउन है, बड़ा बेहतरीन प्रोनाउन है, जहां से कई बार क्वेश्चंस ठीक ठाक बनते हैं, जिसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक ठाक क्वेश्चन यहां से तैयार किए जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट, पहले ही ये, इसको अगर मैं कहूं तो ये अनिश्चितता को दिखाता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती नंबर या पर्सन में, ये अनिश्चितता को दिखाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे,
इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक। यानी इसमें आपको एक बड़ी सुंदर बात याद रखनी होगी, एनी का सेगमेंट, यानी एनी का मतलब यह होता है कि कोई, कोई निश्चित तौर पर चीजें नहीं है। हाँ, जैसे समवन हैज स्टॉलन माय वॉच, समवन हैज स्टॉलन माय वॉच। अब देखो, चोरी तो हुई है, घड़ी तो चोरी हुई है ना, चोरी तो हुई है, लेकिन इस वर्ब को करने वाले का पता नहीं है। समवन मतलब होगा कोई, हमें नहीं पता कि कौन, ठीक। जैसे कुछ इंडेफिनिट वर्ड्स हैं, ये जान लो, इंडेफिनिट वर्ड्स हैं, इनको सीख समझ लो बढ़िया से। जैसे आप कहते हो एनी, क्या कहते हैं भाई, एनी, सम, ऑल, मेनी, देख रहे हैं, सभी शब्दों को पढ़ियो मेंशन करते चलिएगा, फ्यू, Someone, anyone, anyone, no one, everybody, everyone, someone, someone तो हो गया, देखिए somebody, anything, nothing, something, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक। और नोबडी, समबडी है, एनीथिंग है, तो सभी ऐसे शब्दों का जो जिक्र है, ऐसे शब्दों का जो सीन है, ये इंडेफिनिट वर्ड्स है। अब इसमें एनी, ऑल, मेनी, सम, फ्यू, इन सभी शब्दों का एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग होता है, ध्यान रखिए, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, ध्यान रखिए, ठीक, नोट। तो इतनी सी बातें आज हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद अब हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे, और एक बेहतर सा सेगमेंट आप सबके साथ ये डिस्कशन मैंने किया, इसको बेहतरीन नोट डाउन कर लीजिएगा और मस्त तरीके से सीख लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।